हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सोफेन, जैसा कि आप सभी को बताया कि डेली रात 8 बजे हमारे चैनल पे यूपी लेखपाल भर्ती स्पेशल ग्रामीण प्रवेश की क्लासेस होती है दोस्तों। और दो टाइप की क्लासेस होती है। आप सबको लगता है कि नए क्लासेस स्टार्ट किए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो नए स्टार्ट किए जाते हैं वो सिर्फ अलग से नए स्टार्ट किया जाता है, ऐसा नहीं है पुराने बंद कर दिए जाएंगे दोस्तों। क्योंकि इतना टाइम नहीं कि अलग अलग से सारे क्लासेस एक ही दिन में लाया जाए, इसलिए एक दिन आपको प्रैक्टिस सेट का सीरीज लाता हूं और एक दिन आपको टॉपिक वाइज मिलने वाला है, ठीक है। तो ये जो 5000 का प्रश्न है, अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कंप्लीट नहीं हुए, अभी 12 प्रैक्टिस सेट तक ही हुआ है, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। साथ साथ आपको बीच बीच में आपको टॉपिक वाइज भी वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ये सीरीज को आज हम आगे बढ़ाते हुए प्रैक्टिस नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों ने 12 नंबर तक नहीं देखा है, चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, देखिए, प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सारे क्लासेस मिल जाएंगे दोस्तों। और जीके और हिंदी का जो सीरीज चल रहा था घटना चक्र 2 सीरीज वाला, उसको भी कैरी ऑन करेंगे हम लोग, आगे लेके जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको बंद कर दिया है, तो आप लोग बिल्कुल डिस्टर्ब मत होइए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर आप नए क्लासेस स्टार्ट करते हैं, उसके लिए माफी चाहूंगा। बीच में एक ट्रायल किया था, वो सक्सेस नहीं है, लेकिन ये जो पुराने क्लासेस हैं इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ग्रामीण प्रवेश प्रैक्टिस नंबर 13। बहुत ही लाजवाब प्रश्न यहां पर लेके आए हैं, आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आपसे बात करनी है, आपका नंबर दीजिए, या फिर कोई डाउट पूछते हैं मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर आप मैसेज कीजिए, डायरेक्ट मैं आपको बात करूँगा आपसे मैसेज में। ये हमारा यूज़र नेम है BTopper_YT, या फिर आप मेरा नाम भी सर्च कर सकते हैं तारिक अनवर फारूकी, या सबसे आसान तरीका आप, मैंने अपने प्रोफाइल यानी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट मेरे प्रोफाइल पर आ सकते हैं और मुझे फॉलो करके अपनी जो भी क्वेरी हो कमेंट मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा आपको। तो जिनको भी कोई भी बात करनी है, कोई भी क्वेरी करनी है, क्लियर करना है, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं मुझे फॉलो करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने बी टॉपर की तरफ से तैयार किया गया क्रैश कोर्स नहीं बाय किया है, यूपी लेखपाल स्पेशल मात्र 99 रुपीज़ का प्रोवाइड किया जा रहा है, जल्दी से ले लीजिए दोस्तों, ऑफर बहुत जल्द खत्म होने वाला है क्योंकि नया क्रैश कोर्स आने वाला है। तो ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें बेसिक लेवल की तैयारी कराई गई है, इसका अलग ही होने वाला है, तो आप लोग इसको जरूर बाय कीजिए। लिंक इस क्रैश कोर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है दोस्तों, अभी जाके परचेज कीजिए इसको। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, देखिए, राज्य का कौन सा जिला पान उत्पादन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर दीजिए आप लोग। पान उत्पादन मतलब पान का उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जल्दी कमेंट करें। 1 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, महोबा जिला, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए, राज्य में चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। 2 नंबर का उत्तर दें, राज्य में चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं 2 नंबर का राइट आंसर। और क्लास पसंद आए करें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए जाए कि करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। साथ साथ जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं उनका पीडीएफ फाइल चाहिए अगर रिवीजन के लिए, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको मिल जाएगा पीडीएफ फाइल। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, हमीरपुर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए, राज्य में सर्वाधिक मक्का कहां उत्पादित होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी से है दोस्तों, बुलंदशहर में। कहां पर? बुलंदशहर में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, उत्तर प्रदेश में कितने हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दें आप लोग, अगर आपको पता है। 4 का राइट आंसर फटाफट कमेंट करें, 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी से है दोस्तों, यहाँ पर 13। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, मैंथा के स्थान में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दें। 5 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी से है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए, मैंथा आयल की शुद्धता की जाँच के लिए उत्तर प्रदेश के किस जनपद में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन सही है दोस्तों, कन्नौज में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर कहाँ है। 7 नंबर का राइट आंसर दें, देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर कहाँ पर स्थापित है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर, देखिए, 7 का आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लखनऊ में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, देखिए, संकर मक्का बीजों की प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जल्दी करें आप लोग।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, 2013-14 के मध्य में की गई थी प्रारंभ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रदेश में मृदा के स्वास्थ्य के लिए किस उर्वरक का वितरण किया। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर देखिए, 9 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए से है दोस्तों, जिंक सल्फेट का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम का संचालन कब किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी, आप लोग सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और पीडीएफ फाइल जरूर ज्वाइन करें, डाउनलोड करें टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, 10 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी से है दोस्तों, 2014-15 के मध्य में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लाया गया। 11 का आंसर करें, इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 11 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन से है दोस्तों, 1964 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने मंडी स्थल हैं बताएं। 12 का उत्तर, क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन से दोस्तों, 214। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ब्रिटिश शासन में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर दें, आज वाला सेशन जो है बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन लगातार इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, तो आप सभी लोग इसको पूरा जरूर देखिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। और आप लोग लाइक नहीं करते हैं दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा मोटिवेशन होता है और ऐसा लगता है कि क्लासेस पसंद नहीं आ रही है, फिर हम नए क्लासेस स्टार्ट करते हैं फिर आपको भी पसंद नहीं आता है, तो इसलिए प्लीज़ सपोर्ट करें दोस्तों। अगर पसंद आया करें तो पढ़ के चले मत जाए कीजिए, लाइक भी करके जाएँ, कॉमेंट करें एक अच्छा सा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी सही है दोस्तों, 1875। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बाराबंकी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है। 14 का आंसर दें, बाराबंकी जो है वो किस खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो 14 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए सी, अफीम की खेती के लिए बाराबंकी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है देखिए, कृषि विभाग का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में कितना प्रतिशत विकास दर बनाए रखना है। 15 का उत्तर दें आप लोग जल्दी जल्दी। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का डी सही है, 5.1%। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है। 16 का राइट आंसर देखिए, 16 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यहाँ पर कानपुर में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है। 17 का राइट आंसर दें आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करें आप लोग ताकि वीडियो लंबी ना बने। 17 का राइट आंसर, 17 का क्या हो जाएगा, डी सही है, फैजाबाद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, मटर को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। 19 का राइट आंसर दें, 19 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी से है, उड़द। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश में कितने भूभाग पर कृषि की जाती है। इंपॉर्टेंट है, आप देखते हैं कि 40 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही करते हैं, क्योंकि ये सारे पढ़े हुए क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीजी के से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर, 20 का सी सही आंसर, 0.8%। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, मूंगफली के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर दें आप लोग जल्दी जल्दी। 21 का राइट आंसर, तो 21 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन से हो जाएगा, 2013-14 के मध्य। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में निर्धारित विकास दर है। 22 का राइट आंसर दें आप लोग जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 5.1%। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि परिस्थिति की क्षेत्र में बांटा गया है। 23 का राइट आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। तेईस का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है दोस्तों, 20।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, सरकार द्वारा राज्य में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 24 का राइट आंसर दीजिए। अगर क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो, क्लास पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हो सके तो अपने दो चार दोस्तों को भी व्हाट्सएप पर शेयर करें इसको। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, 1944 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, देखिए देश में पशुपालन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 25 का राइट आंसर। देखिए 25 का ए ऑप्शन सही है दोस्तों, प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध है? 26 का राइट आंसर दीजिए। देखिए 26 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी से, ये दुग्ध उत्पादन से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, डैश 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 जैविक औषधि संस्थान कहाँ स्थित है? जैविक औषधि संस्थान कहाँ स्थित है बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर। देखिए 27 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी से, लखनऊ में। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा 28 नंबर, उत्तर प्रदेश में पशु चारा कहाँ स्थापित किया जा सकता है? 28 का राइट आंसर, वेरी गुड। 28 का बी से, झांसी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति अंडे की वार्षिक उपलब्धता कितनी है? 29 का राइट आंसर। देखिए 29 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए से, ये 5। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, देखिए राज्य में ऑपरेशन फ्लड एक कब प्रारंभ हुआ? 30 का राइट आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। और जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि सभी लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, और जो भी क्लासेस छूटी हैं आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, प्लेलिस्ट का लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। 30 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी से दोस्तों, 1973। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, वर्तमान में राज्य में कितने राजकीय गोशधन है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, 8। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, राज्य पशु प्रजनन नीति की तहत गाय भैंसों के उन्नत प्रजनन को आगामी 25 वर्षों में कितनी प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? 32 इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट करके बताएं आप लोग। देखिए 32 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी से, ये 50%। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, देश के प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? 33 का राइट आंसर। 33 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी से ही हो जाएगा, लखनऊ में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, राज्य कृषि विभाग द्वारा कौन सा मासिक बुलेटिन प्रकाशित किया जाता है? 34 का उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। तो 34 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी से, ये कृषि दर्शन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, देखिए आपदा राहत निधि में केंद्र सरकार का योगदान होता है? 35 का राइट आंसर दें, कितने प्रतिशत का होता है योगदान केंद्र सरकार का आपदा राहत निधि में? तो 35 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यहाँ पर 75% योगदान होता है केंद्र सरकार का, 25% होता है राज्य सरकार का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, आम आदमी बीमा योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू हुई? 36 का उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। तो 36 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 2008 से। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश में चकबंदी कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 37 का राइट आंसर दें, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, चकबंदी होना चाहिए, ठीक है चकबंदी। 37 का राइट आंसर दीजिए लिली, कब कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो 37 का क्या हो जाएगा, 37 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1954 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, कृषक बीमा योजना कब से चलाई जा रही है? 38 का राइट आंसर दें आप लोग। तो यहाँ पर 38 का क्या सही हो जाएगा, 38 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जुलाई 2004 से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का आरंभ किया गया किस वर्ष से? 39 का राइट आंसर दीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। देखिए 39 का जो राइट आंसर है सी से, ये 2008 और 9 के मध्य।
अगला और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब हुई? 40 का राइट आंसर दें जल्दी आप लोग फटाफट। 40 का डी सी हो जाएगा 1978। कब हुई? 1978। तो दोस्तों जितने भी आज क्वेश्चन कराए हैं बहुत ही सारे क्वेश्चन मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट थे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो फिजूल में यहाँ पर कराया हूँ, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आज की सीरीज आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। आई होप आज वाली क्लास पे तो 500 लाइक आने ही चाहिए कम से कम दोस्तों, तो आप लोग इतना टारगेट तो आप अचीव करवा ही सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आपको 99 का क्रैश कोर्स रेकमेंड किया लिंक डिस्क्रिप्शन, उसको बाय कर लीजिए। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। और बाकी क्लासेस के लिए प्लेलिस्ट देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए फ्री में पीडीएफ फाइल और वीडियो क्लासेस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। और किसी भी जानकारी के लिए दोस्तों, किसी भी बातचीत के लिए आपको इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पर पीडीएफ फाइल में भी दिया गया, इस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम भी दिया गया है, यूट्यूब का भी दिया गया, फेसबुक का भी लिंक दिया गया है। तो आप लोग हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन के साथ में। स्टे ट्यून।